दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे वीवो वाई 33T में व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, चलिए मैं आपको वीडियो को शुरू करके फटाफट बता देते हैं। तो फिर व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप बिल्कुल आसानी से व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे फिर, तो फिर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पहले ओपन कर लेना है। फिर आपको मैं व्हाट्सएप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ हमारा, जो कि अभी यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड नहीं हुआ, आपको हम फिंगरप्रिंट ऐड करके दिखाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम ओपन करते हैं, देख सकते हैं इस तरह से हमारा व्हाट्सएप ओपन हो गया है, अभी भी कोई भी फिंगरप्रिंट ऐड नहीं हुआ है। तो आप हम चलते हैं फिंगरप्रिंट को ऐड करते हैं। तो फिर कैसे ऐड करेंगे, फिर आपको इस तरह से व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टेटस प्राइवेसी, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको सेटिंग का। तो फिर आपको यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके पास इंटरफेस ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो फिर आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास इंटरफेस ऐसा देखने के लिए और मिल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर फिर से पहला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, प्राइवेसी पे। तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी पे मैं क्लिक करता हूँ, आपके पास इंटरफेस ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो पसंद आए लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो मैं मोबाइल से नई नई वीडियो लेके आता हूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो फिर आपको क्या करना, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे फिंगरप्रिंट लॉक का, तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास इंटरफेस ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। जैसे इनेबल करेंगे फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट ऐड मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट ऐड दे देना है। तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट ऐड दे देते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर किस टाइम पे लगाना है, तो फिर अगर आपको तत्काल लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं, 1 मिनट आधे घंटे बाद अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आप जो है तीनों में से यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो फिर आपको हमारा जो कि व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है, अब हम चलते हैं व्हाट्सएप पर ओपन करके दिखा देते हैं फिर। तो फिर यहाँ पर हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, देख सकते हैं हमारा यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड हो गया है। तो फिर यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट ऐड दे देते हैं। तो फिर यहाँ पर अब जब फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे, आपको यहाँ पर जो कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर भी फिंगरप्रिंट ऐड करना होगा, तभी आप जो व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट ऐड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे फिर। तो फिर इस तरह से आप जो व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। फिर उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आए, पसंद आता लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।